अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर इस वक्त मोदी सरकार घिरी हुई है। इस बीच उसकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने उसकी घेराबंदी का महाप्लान तैयार कर लिया है। जी हां, विपक्षी पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार दो के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। तो क्या है इस अभियान के जरिए कांग्रेस का महाप्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोदी सरकार के राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, जनता काम के लिए तरस रही है, लेकिन सरकार लोगों की एक नहीं सुन रही है। इस मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस मोदी सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है। यूथ कांग्रेस अब रोजगार दो के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 9 अगस्त से शुरू होने वाला यह अभियान अगले 3 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान में यूथ कांग्रेस देश के तमाम बेरोजगार युवकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। देश भर में चलाए जाने वाले इस अभियान में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अभियान के शुरुआती चरण में देश भर के बेरोजगार युवकों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में राज्य और जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवक प्रदर्शन करेंगे और अभियान के तीसरे चरण में सभी बीजेपी सांसदों का उनके लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। इस अभियान से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस इसे दिलचस्प बनाने पर भी काम कर रही है। अभियान की शुरुआत में रोजगार दो के पोस्टर लगी एक गाड़ी रवाना की जाएगी, जो घूम घूम कर बीजेपी के पुराने वादों की ऑडियो लोगों को सुनाएगी। जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग की जाएगी। यूथ कांग्रेस हर शहर में सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएगी। सोशल मीडिया अभियान पर जुड़े म्यूजिक वीडियो जारी किए जाएंगे। इस अभियान के जरिए जहां कांग्रेस युवाओं के दिल को जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं मोदी सरकार की घेराबंदी भी होगी। अभी देखना होगा कि ये अभियान बीजेपी को कितना परेशान करता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।